वेलकम फ्रेंड्स, एआरजी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सरकारी विद्यालय के अध्यापक शिक्षक सम्मान के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टाफ कॉर्नर पर, शाला दर्पण पर शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर होम पेज पे आना है, और आप यहाँ पे जैसे होम पेज पे आएंगे तो आपको ये जो लाइन चल रही है यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा थोड़ी देर के अंदर कि आपके जो शिक्षक सम्मान समारोह के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षक सम्मान 2019 के लिए आवेदन के फॉर्म जो है वो स्टाफ लॉगिन के अंदर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ स्टाफ कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे स्टाफ कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आता है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको, जैसे कि मैं गवर्नमेंट टीचर के बता रहा हूँ, सरकारी अध्यापक के लिए बता रहा हूँ, तो वो जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर हैं, तो उनको रजिस्टर करना होता है। और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इस कॉर्नर के अंदर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, और रजिस्टर करने का तरीका जो है वो मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बता दिया है कि आपको रजिस्टर किस तरह से करना है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने ये इस तरह से स्टाफ कॉर्नर ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम या NIC ID भरनी है, पासवर्ड भरना है, कैप्चा भरना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज आता है, यहाँ पर आपको ये टीचर अवार्ड 2019 का ऑप्शन मिलता है, टीचर अवार्ड 2019, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करते नीचे की तरफ ये अप्लाई टीचर अवार्ड 2019 का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आता है कि ध्यान दें, शिक्षक सम्मान 2019 के लिए आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण पत्र प्रपत्र 10 में प्रविष्ट समस्त सूचनाओं को जांच लेवें। ये आपको पहले देख लेना है कि आपके प्रपत्र 10 यानी फॉर्मेट 10 के अंदर सारी जानकारी सही है। अगर सही नहीं हो तो पहले आपको प्रपत्र 10 सही करवाना होता है, अगर अनलॉक किया गया हो तो उसको अनलॉक करके सही करवाएं। उसके बाद में आता है कि आवेदन करने के पश्चात कार्मिक विवरण में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा, तो ये आप देख लें। उसके बाद में अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते आपके सामने ये ऊपर की तरफ एक पॉपअप बॉक्स नजर आता है, इसके अंदर लिखा आता है कि आर यू श्योर ऑल डिटेल आर करेक्ट, आपको यहाँ पे ओके करना है। और इस तरह से आपके सामने आपकी जो व्यक्तिगत विवरण जो है ये इस तरह से आपको नजर आता है। यहाँ पे आप अपने व्यक्तिगत विवरण को एक बार फिर देख लें कि इसमें किसी तरह का करेक्शन नहीं, किसी तरह की गलती नहीं हो। और आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको वह ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए या 9 से 12 के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई भी लेना है, मैं जैसे यहाँ पे 6 से 8 वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। कक्षा ग्रुप सेलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे आपके जो राजकीय सेवा विवरण जो है, आपके जितने स्कूलों के अंदर आपने पढ़ाया है वो स्कूलों की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर या फिर किसी दूसरी अन्य गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के अंदर आपने पढ़ाया हो तो आपको यहाँ पे हाँ बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे नहीं पढ़ाया हुआ तो आप यहाँ पे नहीं किया हुआ है, अगर आपने पढ़ाया हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल भरनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जनरेट एक्सपीरियंस वाले बटन पे क्लिक करना है, और जनरेट एक्सपीरियंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कुल सेवा अवधि जो है ये वर्ष में, महीने में और आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद में आपका आता है शैक्षिक रिकॉर्ड स्वयं का आपका आता है, तो यहाँ पे आपके आपको अपनी डिटेल भरनी है, आपने माध्यमिक कब की, उच्च माध्यमिक आपने कब की, उसके बाद स्नातक, स्नातकोत्तर या BEd वगैरह जो भी आपकी है, ये आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है। और उसके बाद में आता है आपके परीक्षा परिणाम, आपको अपना रिजल्ट जो है ये आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। परीक्षा परिणाम है ये आपको 70 वाइज आपको यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे बोर्ड की कक्षा जो है उन्हीं का देश यहाँ पे दिया गया है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं का। तो आपके संबंध में जो भी आता है उसका आपको यहाँ पे कक्षा का आपको यहाँ पे प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या और परिणाम प्रतिशत, मतलब कितना रिजल्ट आपका रहा है, और आपको यहाँ पे एक्शन वाले बटन पे एड करके, इस पर क्लिक करके एड कर देना है। और जब सारे ये हो जाए तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जनरेट रैंक जो है इस पर क्लिक करना है। जनरेट रैंक पे क्लिक करके बाद में यहाँ पे ऑटो जनरेट यहाँ पे रैंक जो है ये आपकी तय हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आता है नीचे की तरफ जन सहयोग का आता है, ये 10 अंक का है। जन सहयोग के अंदर आपने इन 5 सत्र के अंदर कोई भी विद्यालय के अंदर आपने जो राशि दी है उस राशि के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे जो अंक होते हैं वो तैयार होते हैं। कि आपने किसी भी सेशन के अंदर जो भी आपने कोई विद्यालय के लिए कोई जन सहयोग के अंदर कोई राशि दी हो वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद में अगर आपने कोई प्रकाशन किया हो या कोई वार्ता या शोध कार्य या फिर अध्यापन प्रतियोगिता के अंदर आपने भाग लिया हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है इन्हीं 5 सत्रों की। जैसे कि आपने मान लीजिए कि प्रकाशन का काम किया हो और आपने प्रकाशन का काम कौन से लेवल पे किया है, राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे, स्थानीय लेवल पे या फिर संस्था में किसी भी जगह, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने स्थानीय लेवल पे किया है
तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे जो अंक जो होते हैं ये ऑटो जनरेट यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये भरने, उसके बाद में आपको सेव करनी है इस डिटेल को भी, और वहीं आपको नीचे की तरफ फिर मिलता है राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान 5 अंक का होता है। आपने इन्हीं 5 सत्रों के अंदर राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उनके अंदर अपना क्या योगदान दिया है, जो आपको प्रमाण पत्र मिला है, जो सर्टिफिकेट मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपने कौन से काम के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला है और आपका स्तर आपको यहाँ पे बताना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो जनरेट जो है ये आपको अंक ये मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये सेव बटन पे क्लिक करके ये सारी ये जानकारी सेव करनी है, और आपने जो पूरा फॉर्म भरा है उस पूरे फॉर्म को आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने शिक्षक सम्मान 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट स्कूल के या निजी स्कूल के शिक्षक किस तरह से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।